हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले TCS की तरफ से। TCS कोड वीटा सीजन 11 की रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुकी है। जो रोल होता है उसमें TCS निंजा और डिजिटल वाले उसमें से ही आते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हम इसमें आपके लिए वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे आप हमारे चैनल पर न्यू और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार की वीडियो रिलेटेड नोटिफिकेशन आए तो आपको मिल जाए। और हमारे चैनल पर बहुत सारी ऑफ कैंपस हायरिंग रिलेटेड वीडियो अपलोडेड है, कितनी तो आई थिंक मेरे ख्याल से एक्टिव ही होंगी जॉब, तो आप एक बार चेकआउट जरूर करना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी समस्या और परेशानी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TCS का कोड वीटा सीजन 11 स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन आज से ही शुरू हो गई है। तो हम स्क्रॉल डाउन इसमें कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है इसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो चाहे आप 24, 5, 6, 7 किसी में भी पास आउट हो रहे हो तो अप्लाई कर सकते हो। परस्यूइंग अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड विद एली स्पेशलाइजेशन कैन अप्लाई, ठीक है। उसके अलावा टॉप 3 कोडर विल विन प्राइज ऑफ $20,000, चांस टू एक्सप्लोर एक्साइटिंग करियर, चांस टू कम्पीट विद द सम बेस्ट कोडर इन द वर्ल्ड, परफॉर्म शोकेस प्रोग्रामिंग स्किल, फाइनलिस्ट एंड चांस टू ट्रेवल टू इंडिया फॉर सीजन 11 लाइव ग्रैंड फिनाले एक्सपीरियंस। और जर्नी आप देख सकते हो सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। रजिस्ट्रेशन होगा, फिर मॉक होगा आपका, फिर राउंड होगा, उसके बाद आपका फिनाले होगा। और सैम्पल क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो आपके लिए सभी चीज़ें हैं, Q&A, फिर शॉर्टिंग बॉक्स, किस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात इनकी ये है, सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की गई हैं। और फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं क्या क्या आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई जरूर करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।